अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नगर निगम भिलाई चरोदा द्वारा भिलाई 3 के मंगल भवन में महिला सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा के द्वारा भिलाई 3 के मंगल भवन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पंडवानी गायिका पद्मभूषण डॉक्टर तीजनबाई शामिल हुई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर रश्मि भूरे ने की। वही विशिष्ट अतिथि के रूप में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुगम सावंत, श्रीमती दिनेश चतुर्वेदी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर स्मृति पांडे, परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास श्रीमती पद्मजा सिन्हा, साथ ही भिलाई 3 कॉलेज के प्राचार्य रीना मजुमदार सहित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्राचार्य मीरा अनिल कुमार रही। इस कार्यक्रम की शुरुआत माता सरस्वती की पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलित कर की गई। तत्पश्चात शामिल सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान निगम महापौर निर्मल कोसरे व जन प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सफाई कर्मियों, मितानिनों सहित मेडिकल स्टाफ व समाज से जुड़ी हर वर्ग की महिलाओं का सम्मान अतिथियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर महापौर के द्वारा एक नई पहल भी की गई, जिसमें महिलाओं की गोद भराई और छोटे बच्चों का अन्न प्राशन की रस्म अदा की गई। इतना ही नहीं, इस पूरे आयोजन में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की भी प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें शामिल सभी अतिथियों ने, बड़ी संख्या में शामिल महिलाओं ने छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद चखा। इस आयोजन को लेकर पद्मभूषण तीजनबाई, डॉक्टर रश्मि भूरे और निगम महापौर निर्मल कोसरे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं सर्वप्रथम तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पावन अवसर पर सभी बहनों को, माताओं को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। नगर निगम भिलाई चरोदा का महापौर बनने का सौभाग्य मिला और मैं बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि मेरे कार्यकाल के 2 महीने के बाद ही एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का पुनीत समारोह आया। मैंने सोचा कि हम देश की, भारत की और हमारे क्षेत्र की उन बेटियों का हम सम्मान करें जिससे देश का नाम हो रहा है, छत्तीसगढ़ का सम्मान हो रहा है। इसलिए मैंने आयोजन किया और 50 महिलाओं को, महिला स्वयं सहायता समूह, रेडी टू ईट बनाने वाले महिलाओं का, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाले और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े बहनों का, और जो सालंबन की दिशा में कार्य कर रहे हैं ऐसे महिला स्वयं सहायता समूह का हम लोगों ने सम्मान किया है। छत्तीसगढ़ शासन का अभिनव पहल जो चल रहा है महिला बाल विकास विभाग के द्वारा, यह कार्यक्रम निरंतर चलता है। मैं इसलिए इस कार्यक्रम में जोड़ने का प्रयास किया कि आने वाले जो हमारे बहने हैं वो देखें कि अन्नप्राशन और गोद भराई का भी कार्यक्रम किया जाता है। अब तो वही संदेश देंगे महिला के कार्यक्रम में, तो मैं जा रही हूँ, कल भी है मेरे कार्यक्रम, परसों भी है, तो महिला को जो जिस तरीके का जो बढ़ावा दे रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और हर जगह में हमें भी जाने के लिए जो मौका मिल रही है, उन लोगों को हमको वही बताना है कि जिस चीज़ को लगन और मेहनत से काम कर रहे हैं वो काम करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, यही हमारे प्रयास है। छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं के लिए जो कार्य कर रही है गौठान में, स्व सहायता समूह में, जिनका सम्मान किया गया, क्या कहेंगी आप? सम्मान देखिए, आज तो छोटा सम्मान पाया, कल अच्छे काम करोगे तो बड़ा सम्मान पाओगे, धीरे धीरे लोग आगे बढ़ सकते हैं, ये इकट्ठा तो नहीं हो सकता ना, तो यही हमारी प्रयास है, यही उन लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि जो काम कर रहे हैं वह काम को आगे बढ़ाते चले, ठीक है। अभी जागतिक महिला दिवस के उपलक्ष्य में भिलाई चरोदा निगम ने जो ये इतना बढ़िया आयोजन किया है, इसके लिए पहले तो मैं महापौर जी, सभापति जी और आयुक्त जी, उनको बधाई देना चाहूँगी। महिलाओं को प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारे भाई लोग अगर अच्छे से हमें सहयोग करेंगे, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, मौका देंगे, तभी महिलाएं में भी उत्साह आएगा कि आगे जाके वो कुछ कर सकें। और महिलाओं के लिए यही संदेश है, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या ना हो, लेकिन आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं हमेशा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए उनको घर के बाहर ही आना है, घर में रह के, जैसे हमने यहाँ पे देखा बहुत से महिला स्व सहायता समूह है, लघु उद्योग है, उन्होंने अपने घर में रह के ही जो चीज़ों में वो अच्छी है, जो उनकी अच्छी क्षमताएं हैं, उनका यूज़ करके बहुत अच्छे से खुद को आत्मनिर्भर बनाया है, इंडिपेंडेंट बन गई है। बहुत अच्छे हैं। वैसे तो खाने को तो सब मन कर रहा था, लेकिन इतना भी नहीं खा सकते, लेकिन बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट व्यंजन बने हुए हैं। स्पेशली जो रेडी टू ईट के लड्डू बने हुए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और पौष्टिक।
बहरहाल इस अवसर पर निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर और निगम के MIC सदस्यों सहित पार्षदगण व बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं शामिल रही। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शरण खरे की रिपोर्ट।